ऋषि की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सहमा हुआ सा रहता है, इसीलिए पूछ रही हूँ तुमसे कुछ हुआ था क्या रिजॉर्ट में? ऑफिस का कॉल अटेंड करने के लिए बाहर निकला था, इतने में रोली पानी में गिर गई। अब ये सब देखकर शायद ऋषि घबरा गया होगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम सुनना क्या चाहती हो? कुलदीप, आई नो कि तुम अपने जॉब से खुश नहीं हो, परेशान रहते हो, बिजी भी हो, पर कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, कह सकते हो? सच्ची सच्ची बोल। पहले मेरी दूरबीन दे। नो, एक हाथ से दूरबीन ले और दूसरे हाथ से माउथ से बोल के क्या हुआ है? आईने अंदर से रूम लॉक किया था क्योंकि क्योंकि मेरे बम पे पिंपल हो गया था। चीटर, जो बोल रहा है ना, रुक। कौन है मज़ा ऋषि? कौन? रूली से पंगा नेवर चंगा ऋषि। मतलब क्या है तुम्हारा? कुलदीप, पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम समझना ही नहीं चाहती हो तो मैं तुम समझाओ ना कुलदीप, मैं समझना चाहती हूँ। बताओ ना, कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी है? समायरा की जॉब लेने के बारे में सोच रहा हूं। काम से फुर्सत मिले तब सोचूंगा ना मैं। एक बार फोन करके भी नहीं पूछा समायरा ने कि तुमने क्या डिसाइड किया। अब मेरे जैसी दो कौड़ी की नौकरी तो है नहीं उसकी कि मुझे फोन करके ये पूछती रहे कि मैंने डिसाइड क्या किया। प्लीज, बेकार की बातें सोचकर मेरा दिमाग खाना बंद करोगी? जब कुछ डिसाइड करूंगा तो मैं खुद आकर बता दूंगा, लेकिन तब तक मुझे चैन से जीने दो। हमारे बीच ये झूठ और बातें छुपाने का सिलसिला कब से शुरू हो गया कुलदीप? तुम भले ही मत बताओ, लेकिन मैं जानकर रहूंगी। ऋषि को मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा तुमने?